नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिना मास्क वालों का राजधानी पटना में अब होगा कोविड-19 जांच। राजधानी पटना में बार बार लोगों को समझाने के बावजूद कई लोग अभी भी ऐसे देखे जाते हैं जो बिना मास्क के घूमते रहते हैं। हालांकि इन्हीं लोगों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने अब और सख्ती से पेश आने का फैसला लिया है, जिसके तहत कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए राजधानी पटना में मास्क को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए फिर से मुहिम चलाने का ऐलान किया है, जिसके बाद प्रशासन ने मास्क को हल्के में लेने वाले लोगों पर सख्ती से पेश आते हुए उनका कोविड-19 जांच करवाने का फैसला सुनाया है। साझा की गई जानकारी के अनुसार पटना की सड़कों पर अगर कोई भी बिना मास्क का मिला तो प्रशासन अब उस पर सख्ती से पेश आएगी। इसके साथ ही कोविड-19 जांच करवाया जाएगा। टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उसे आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करवा दिया जाएगा, वहीं नेगेटिव आने पर चालान लिया जाएगा। बीपीएससी ने जारी किया परीक्षाओं का कैलेंडर। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को आधा दर्जन बड़ी परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी है। आयोग ने सभी परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कर दिया, जिसकी संभावित तारीख को जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार दिसंबर से लेकर मार्च कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करवा लिया जाएगा। वहीं आयोग ने सिविल सेवा के 64वीं परीक्षा के साक्षात्कार को 1 दिसंबर से करवाने की संभावना जताई है। वहीं 65वीं मुख्य लिखित परीक्षा 13 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को करवाने की संभावना जताई गई है। हालांकि इसकी घोषणा पहले से की जा चुकी है। वहीं आयोग सिविल 66वीं परीक्षा की नई वैकेंसी के 562 पदों के लिए 28 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इन सभी परीक्षाओं को मिलाकर देखा जाए तो लगभग 2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। बिहार में चुनावी काल में नौकरियों की आई बहार। बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3021 शिक्षकों की नियुक्ति जल्दी की जाए, जिसको लेकर विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है, जिसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के 2033 और पॉलिटेक्निक कॉलेज के 988 पद है। अलग अलग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा और निदेशक संजीव कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के 1404, सह प्राध्यापक के 429, प्राध्यापक 168 और प्रचार के 32 पदों तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज के व्याख्याता के 796, एचडी के 167 और प्रचार के 25 पदों का प्रस्ताव बीपीएससी को भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज के 424 विद्यार्थियों का कैंपस चयन भी साल 2019-20 में किया गया है, जिसमें 263 का चयन पूल कैंपस से किया गया है। बिहार के खास खाद्य पदार्थों की देश विदेश में बनेगी पहचान। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार के विशिष्ट और बागवानी उत्पाद जर्दालू आम, कतरनी चावल, महिपाल मखाना और देश विदेश के बाजारों में पहचान दिलाने की बात कही है। इन उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में खास कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी है। कृषि मंत्री ने शुक्रवार को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपनी स्थापना के 10 वर्षों की अल्पावधि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से प्रकाशित वरिष्ठता सूची में कृषि विश्वविद्यालय और संस्थान में देश को 18वां स्थान हासिल करने में खुशी जताई है। पटना में 5000 लोग एक साथ मेगा स्क्रीन का उठाएंगे लुफ्त। बिहार की राजधानी पटना में आज पहली बार स्मार्ट सिटी के तहत आने वाली किसी परियोजना का उद्घाटन करवाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधी मैदान के स्थित 75x42 फीट के मेगा स्क्रीन का उद्घाटन कर दिया है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड का दावा है कि सार्वजनिक जगह में इतना भव्य मेगा स्क्रीन सिर्फ राजधानी पटना में ही बनकर तैयार हुआ है। इस मेगा स्क्रीन के जरिए 5000 लोग एक साथ बैठकर खेल, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री का आनंद ले सकेंगे। मेगा स्क्रीन को 6,98,00,000 रुपए में बनाया गया है। आपको बता दें यह स्क्रीन की ऊंचाई 30 फीट की। इसके साथ ही डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम से लैस स्क्रीन पर सूर्यास्त के बाद फिल्मों का प्रसारण किया जाएगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सुप्रिया एमन की। सुप्रिया एमन का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 19 सितंबर 1993 में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से पूरी की थी। एक भारतीय मॉडल और ब्यूटी पेजेंट के खिताब से नवाजी जा चुकी है। उन्हें साल 2015 में मिस इंडिया इंटरनेशनल का हिस्सा भी बनी थी। वहीं उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्हें मिस इंटरनेशनल 2015 के टैग से भी नवाजा गया था। इतना ही नहीं, सुप्रिया को एशिया स्टार मॉडल से भी नवाजा जा चुका है। बिहार में हर खेत को पानी की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 95% सर्वे का काम हुआ पूरा। बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए सर्वे का काम लगभग पूरा किया जा चुका है। मेरी जानकारी के अनुसार कुल प्लांट में 94.67% प्लांट का सर्वे हो चुका है। 5 जिले में यह काम पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बाकी बचे जिलों में बहुत कम संख्या में प्लांट बच गए हैं। इन सभी जिलों को मिलाकर अभी भी लगभग 28,77,340 प्लांट का सर्वे करवाया जाएगा। कृषि विभाग की तरफ से साझा की जानकारी के अनुसार हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना को जमीन पर उतारने के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया जा चुका है और इसकी अंतिम तारीख 8 अगस्त को तय की गई थी। इस बीच
कोविड 19 के बढ़ जाने की वजह से काम रुक गया था। उसके बाद विभाग में 31 अगस्त तक काम पूरा करने का निर्देश दिया गया था और कई दूसरी बाधाओं के कारण अब 5 सितंबर तक काम पूरा करने को कहा गया था। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ISBT में 15 दिनों में होगा बसों का परिचालन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बिहार के पहले अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन बीते दिन कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 15 दिनों में यहां से बसों का परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। 25 एकड़ में बने इस टर्मिनल में हर दिन बिहार और दूसरे राज्यों के लिए 3000 बसों का परिचालन होगा, जिससे 1.5 लाख यात्रियों का आवागमन सफल हो जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है कि इस अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का नाम बदलकर पाटलिपुत्र बस टर्मिनल रख दिया गया है। इतना बड़ा टर्मिनल शायद ही कहीं होगा और मिलेगा। इस बस टर्मिनल में सारी सुविधाएं और सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। वहीं पटना गया रोड पर अवस्थित इस बस टर्मिनल के साथ ही मुख्यमंत्री ने रिमोट से आरा, औरंगाबाद, नवादा और झाझा के बस अड्डों का भी उद्घाटन किया। बिहार से नेपाल, झारखंड और यूपी के लिए बस सेवा जल्द होगी शुरू। कोविड-19 के माहौल के बीच अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे करके पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित बस सेवाओं को दोबारा से सुचारू रूप से शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। इसी क्रम में अंतर्राज्यीय सेवाओं का परिचालन शुरू किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के जिलों के बीच चल रही बसों का विस्तार होते हुए परिवहन विभाग ने इसकी कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत विभाग ने यूपी, झारखंड और नेपाल के लिए बस सेवा शुरू करने की पहल की है। इसके लिए यूपी और झारखंड सरकार को पत्र जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पत्र लिखने के बाद विभाग की मंशा जल्द से जल्द बसों का परिचालन शुरू करवाने की है, ताकि आने वाले समय में लोगों को सहूलियत मिल सके। साथ ही नेपाल बॉर्डर पर आवागमन शुरू होने के बाद बसों का परिचालन शुरू करने का निर्णय भी लिया जा सके। मतदान केंद्रों पर कोविड-19 प्रभावितों के लिए होगी अलग लाइन। निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को जानकारी साझा करते हुए साफ तौर पर कहा है कि चुनाव के समय में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और यही कारण है कि कोविड-19 प्रभावितों को लोकतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए निर्वाचन आयोग अलग व्यवस्था कर रहा है, जिसके तहत पॉजिटिव रोगियों की अलग मतदाता सूची तैयार की जा रही है, जिसके अंदर शुक्रवार को बिहार चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के बीच लाया गया है। चुनाव इस साल अक्टूबर या नवंबर महीने में आयोजित करवाए जा सकते हैं। आपको बता दें कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है, जिससे कोविड-19 मरीज भी अपने मतदाताओं के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि पोलिंग ऑफिसर, प्रोसेसिंग ऑफिसर और अलग अलग राजनीतिक दलों की पोलिंग एजेंटों को उचित सुरक्षा की तरफ से लैस किया जाएगा। राजद ने बिहार को 3 बड़े रेल कारखाने को बताया लालू की देन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन दिनों किए जा रहे उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर राजद बौखलाया नजर आ रहा है और यही कारण है कि राजद लगातार बयानबाजी करने और केंद्र सरकार को निशाने पर लेने का काम कर रहा है। इसी क्रम में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधने के सिलसिले में जनता की गाढ़ी कमाई का जो पुल बना है वो पुल पानी में बह रहा है। बिहार में 3 बड़े रेल कारखाने लालू प्रसाद यादव की देन है, यह बिहार की जनता को खूबी पता है। लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ रेल कारखाने ही नहीं दिए बल्कि बोर्ड की बड़ी संख्या में रेलवे में यहां के लोगों को नौकरियां भी दी गई है। लालू परिवार को विपक्ष ने बताया बिहार के लिए भार। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच अब सियासी दलों ने एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। चुनावी अखाड़े में उतरने से पहले राजनीतिक पार्टियां आमने सामने आकर पोस्टर के जरिए एक दूसरे को निशाने पर ले रही है। इसी क्रम में एक बार फिर से पटना की सड़कों पर लालू परिवार पर जोरदार निशाना साधा गया है। जारी किए गए पोस्टर में लालू यादव को सलाखों के पीछे दिखाया गया और लिखा गया है कैदी नंबर 3351। इसके साथ ही इस पोस्टर में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती की तस्वीर भी जारी की गई है। वहीं इस पोस्टर पर लिखा गया है एक ऐसा परिवार जो बिहार पर है भार। हालांकि पोस्टर किस पार्टी की तरफ से लगाई गई है इसका जिक्र पोस्टर में नहीं किया गया है, लेकिन इस पोस्टर के जरिए चुनावी माहौल में लालू फैमिली पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। हालांकि इस पोस्टर के बाद राजद परिवार की तरफ से रिएक्शन आना तय माना जा रहा है। शाहनवाज हुसैन ने राजद पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। भाजपा अध्यक्ष ने बड़े नेताओं के बारे में विपक्ष पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। भाजपा ने साफ कहा है फर्क साफ है, इसके जरिए विपक्ष को घेरने की कोशिश की गई है। भाजपा के मीडिया सेंटर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि फर्क है, जिसको नहीं दिखता उसको आंकड़े देखने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में राजद एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही शाहनवाज हुसैन ने यह भी दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बिहार के लिए किए गए कामों के बारे में भी बताया है। चेन्नई सुपर किंग्स के इस खिलाड़ी ने झटके हैं कई विकेट। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने वाले इस खिलाड़ी ने कई विकेट अपने नाम किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने वाले ड्वेन ब्रावो को दुनिया का बेहतरीन T20 ऑलराउंडर माना जाता है। उनके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, टीम में वो दोनों की भूमिका निभाने में सक्षम है। T20 के धुरंधर के इस
नाम पर 20 से ज्यादा फ्रेंचाइजी टीम की तरफ से खेलते हुए 500 से ज्यादा टी20 विकेट हासिल करने और 6500 के करीब रन बनाने का रिकॉर्ड है। वेस्टइंडीज के पिछले 9 साल से चेन्नई की टीम का हिस्सा रहे हैं। 2011 में उनको चेन्नई ने नीलामी में बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया था। इस साल वेस्टइंडीज की तरफ से टीम नीलामी में बिकने वाले ब्रावो अकेले खिलाड़ी थे। क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज को भी लोगों ने नीलामी में नहीं खरीदा था। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 53 लाख के पार। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 93,337 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं इस दौरान 1,247 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में 95,880 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में प्रभावितों की संख्या बढ़कर 53,08,014 पर पहुंच गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद 79.8% पर रिकवरी दर पहुंच गया है। इसके साथ ही 10.58 पर पॉजिटिविटी रेट बताई जा रही है। 10 सितंबर को 8,81,911 कोविड-19 सैंपल की जांच की जा चुकी है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 6,24,54,254 सैंपल की जांच पूरी की जा चुकी है। हालांकि भारत में रिकवरी दर प्रभावितों से ज्यादा बताई जा रही है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजधानी पटना में बिना मास्क पहने लोगों का कोविड-19 जांच करवाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।